वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर के उदाहरणों में हमने विभिन्न वर्ग समीकरणों के विभेदक सूत्र d बराबर बी की घात 2 ऋण 4 एसी की सहायता से प्राप्त किए। उदाहरणों में d के मान क्रमशः 0, ऋण 15, 8 प्राप्त हुए। d के ये मान 0, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ है कि विभेदक 0, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकते हैं। क्या ऐसा होने से वर्ग समीकरण के मूलों के बारे में कोई खास जानकारी मिलती है? आइए इसका पता लगाते हैं। चूँकि ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए 0 के बराबर नहीं है, के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र है x बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल बी की घात 2 ऋण 4 ए सी बटा 2 ए, जहां बी की घात 2 ऋण 4 ए सी बराबर डी है। अर्थात एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल डी बटा 2 ए, डी बराबर बी की घात 2 ऋण 4 ए सी मूलों की प्रकृति में विभेद अंतर करता है, इसीलिए इसे विभेदक या विविक्तर कहा जाता है। अब तीन स्थितियों की चर्चा करते हैं। स्थिति एक, हम तीन विभिन्न स्थिति की पर चर्चा करेंगे। यदि विभेदक d बराबर 0 है तब हमारे पास x बराबर, हम d के स्थान पर 0 रखेंगे तो ऋण b धन ऋण वर्गमूल 0 बटा 2 ए, या x बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल 0, 0 हुआ बटा 2 ए धन चिन्ह लेने पर, x बराबर ऋण बी धन 0 बटा 2 ए, या ऋण बी बटा 2 ए, उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण बी ऋण 0 बटा 2 ए बराबर ऋण बी बटा 2 ए। यहाँ x के दोनों मान अर्थात मूल वास्तविक संख्याएं हैं और समान भी है। निष्कर्ष, यदि d बराबर 0 हो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं। आगे स्थिति दो को आगे देखते हैं। स्थिति दो, स्थिति दो, यदि d बराबर कोई धनात्मक संख्या हो तब माना d बराबर 49, तब x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल 49 बटा 2 ए, और इसी को जब हम आगे
हल करेंगे तो ऋण भी धन ऋण वर्गमूल 49 जो है वह 7 हो जाएगा बटा 2 ए, वर्गमूल 49 बराबर 7। अब कहीं हम धन चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण बी धन 7 बटा 2 ए, उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण बी ऋण 7 बटा 2 ए। यहाँ x के दोनों मान अर्थात मूल वास्तविक संख्याएं हैं और असमान है। निष्कर्ष, यदि d का मान 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। स्थिति 3, यदि d कोई ऋणात्मक संख्या हो तब जैसे d बराबर ऋण 81 तब हम सूत्र में x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल ऋण 81 बटा 2 लेंगे और ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल अधिकल्प ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल अधिकल्पित या काल्पनिक होता है तो धन चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण बी धन वर्गमूल ऋण 81 बटा 2 ए और ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण बी ऋण वर्गमूल ऋण 81 बटा 2 ए। यहाँ x के दोनों मान अर्थात मूल असमान है लेकिन ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल होने के कारण काल्पनिक है। निष्कर्ष, यदि d छोटा है 0 से अर्थात ऋणात्मक हो तब वर्ग काल्पनिक एवं असमान होते हैं।